वेलकम बैक टू द काफोस। एंड जैसा कि आपने मेरा टाइटल एंड थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं मारुति फ्रॉन्क्स के वेरिएंट्स के बीच में। हम लेंगे डेल्टा प्लस एंड जेटा वेरिएंट। मेरा कंपैरिजन फुल इन डिटेल में रहने वाला है, इंक्लूडिंग इट्स एक्सटीरियर लुक्स एंड फीचर्स, इंटीरियर सेफ्टी फीचर्स एंड इंजन वाइज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल पे कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है। दैट विल हेल्प यू टू बाय राइट कार अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। सो अगर हम इन दोनों वेरिएंट्स के एक्सटीरियर लुक्स एंड कॉमन फीचर्स की बात करें, फ्रंट लुक की बात करें, आपको इन दोनों वेरियंट्स में ट्रिपल LED लाइट्स प्रोवाइड की जाएगी विद फॉलो मी फंक्शंस एंड ये ऑटोमेटिक होने वाली हैं। उसके साथ DRLs, मतलब कि आपको फ्रंट से कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा डेल्टा प्लस एंड जेटा वेरिएंट में। साइड लुक की बात करें, साइड लुक में आपको इन दोनों गाड़ियों में बॉडी कलर डोर हैंडल्स विद ORVMs प्रोवाइड की जाएंगे एंड आपको इन दोनों वेरिएंट्स में अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। डायमंड कट नहीं देखने को मिलेंगे, आपको पेंटेड नॉर्मल अलॉय व्हील्स प्रोवाइड की जाएंगे। एंड अगर बात करें बैक लुक की, बैक में डिफरेंस होने वाला है। आपको बैक में जो जेटा में LED लाइट देखने को मिलेगी वो इंटरकनेक्टेड होने वाली है। दोनों वेरिएंट्स में आपको इंटरकनेक्टेड देखने को मिलेगी, पर जेटा वेरिएंट का जो बीच वाला पार्ट होएगा वो आपको वर्किंग देखने को मिलेगा। ऑन द अदर साइड आपको डेल्टा प्लस का बीच वाला पार्ट यानी कि LED लाइट का वो आपको डमी देखने को मिलेगा, वो ग्लो नहीं करेगा। यही डिफरेंस होने वाला है। बाकी आपको जेटा में रियर वाइपर विद वॉशर भी एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको इन दोनों गाड़ियों के रूफ में रूफ रेल्स एंड शार्क फिन एंटीना प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिससे कि इन दोनों वेरिएंट्स की एक्सटीरियर लुक्स एकदम अग्रेसिव हो जाती हैं। सो जैसा कि आपने देखा, आपको इन दोनों गाड़ियों में बाहर से यानी कि फ्रंट एंड साइड से एकदम कॉमन फीचर्स देखने को मिलेंगे, पर अगर बात करें बैक लुक की, वहाँ पर डिफरेंस है। मेन डिफरेंस यही है, आपको लाइट का फ़र्क देखने को मिलेगा, बीच वाला पार्ट ग्लो करेगा जेटा का ही एंड जेटा में आपको रियर वाइपर भी देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको इन दोनों वेरिएंट्स में कोई भी फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा बाहर से। सो अगर बात करें इन दोनों वेरिएंट्स के इंटीरियर की, जैसा कि आप सामने देख ही पा रहे हैं, बेसिकली आपको इन दोनों वेरिएंट्स में सेम इंटीरियर देखने को मिलेगा विद सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम। अगर आप हायर वेरिएंट लेंगे यानी कि अल्फा, उसमें आपको 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको इन दोनों वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक AC प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कॉमन फीचर्स की बात करें, आपको इन दोनों वेरिएंट्स में कीलेस एंट्री एंड ऑल 4 पावर विंडोज जैसे फीचर्स कॉमन देखने को मिलेंगे विद ऑल एडजस्टेबल हेडरेस्ट। पर अगर बात करें आपको जेटा में कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू डेल्टा प्लस, पहला फीचर ये है कि आपको जेटा में इंफोटेनमेंट सिस्टम में कैमरा देखने को मिल जाएगा। उसके साथ आपको सुजुकी कनेक्ट के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जेटा में। उसके साथ आपको 2 ट्विटर्स भी एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे इन जेटा वेरिएंट। बाकी आपको 4 स्पीकर्स तो देखने को मिल ही जाएंगे दोनों वेरिएंट्स में, और आपको वायरलेस चार्जर एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा इन जेटा वेरिएंट। उसके साथ आपको पैडल शिफ्टर्स भी एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे इन जेटा ऑटोमेटिक। एंड आपको इसकी जो स्टेयरिंग की एडजस्टमेंट होगी वो भी आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ देखने को मिलेगी। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें डेल्टा प्लस की, उसमें सिर्फ आपको टिल्ट एडजस्टमेंट देखने को मिलेगी। उसके साथ आपको जेटा में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट देखने को मिल जाएगी विद फ्रंट आर्मरेस्ट। एंड अगर बात करें रियर AC वेंट्स की, वो आपको सिर्फ जेटा में देखने को मिलेंगे, डेल्टा प्लस में आपको नहीं प्रोवाइड किए जा रहे रियर AC वेंट्स, पर आपको ऑटोमेटिक AC मारुति फ्रॉन्क्स के हर एक वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा, जो बहुत ही बढ़िया बात है। बाकी फीचर्स, आपको फास्ट चार्जिंग USB सॉकेट्स बोथ A and C टाइप्स रियर में आपको सिर्फ जेटा में देखने को मिलेंगे। उसके साथ आपको जेटा वेरिएंट में इंजन पुश स्टार्ट बटन विद स्मार्ट की एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू डेल्टा प्लस। बाकी आपको इन दोनों वेरिएंट्स में कीलेस एंट्री प्रोवाइड की जा रही है। सो जैसा कि आपने देखा, आपको जेटा वेरिएंट में काफ़ी एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू डेल्टा प्लस, जैसे कि उस गाड़ी में आपको रियर AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे विथ ट्विटर्स एंड फ्रंट आर्मरेस्ट एंड बाकी भी फीचर्स जो मैंने आपको ऊपर गिनाए, ये सब फीचर्स आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे इन जेटा वेरिएंट एज कम्पेयर टू डेल्टा प्लस। एंड अगर बात करें इन दोनों गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स की, सेफ्टी में आपको जेटा में 6 एयरबैग्स देखने को मिलेंगे, ऑन द अदर साइड डेल्टा प्लस में आपको सिर्फ 2 एयरबैग्स। बाकी आपको जेटा में रियर कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, ये फीचर मिसिंग है हमारी डेल्टा प्लस में। बाकी आपको इन दोनों गाड़ियों में ABS, EBD,
ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स तो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, पर मेन फीचर है 6 एयरबैग्स, वो आपको सिर्फ जेटा वेरिएंट पे प्रोवाइड किया जाएगा बाय मारुति। सो अगर इन दोनों वेरिएंट्स के इंजन ऑप्शन की बात करें, आपको जेटा में सिर्फ 1 इंजन ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा, ऑन द अदर साइड आपको डेल्टा प्लस में 2। आपको डेल्टा प्लस में एक नॉर्मल पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर का जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 90 bhp एट द रेट 113 nm ऑफ टॉर्क विद बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, एंड दूसरा 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 100 bhp एट द रेट 148 nm ऑफ टॉर्क। पर ये इंजन आपको डेल्टा प्लस में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। ऑन द अदर साइड अगर हम जेटा की बात करें, उसमें आपको एक इंजन ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 100 bhp एट द रेट 148 nm ऑफ टॉर्क, एंड ये इंजन आपको बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में प्रोवाइड किया जा रहा है। सो यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाएगी इन डंडा प्लस, एंड आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कोई भी वेरिएंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 1.2 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल इंजन लेना है, आप डेल्टा प्लस की तरफ जा सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर आपको 1.2 लीटर वाला टर्बो पेट्रोल इंजन लेना है, तब भी आप डेल्टा प्लस की तरफ जा सकते हैं, पर आपको 1.2 लीटर वाला हमारी जेटा में नहीं देखने को मिलेगा। जेटा एंड अल्फा में आपको 1.2 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल इंजन वाला ऑप्शन ही प्रोवाइड नहीं किया जा रहा बाय मारुति कंपनी, जो मुझे बहुत बेकार चीज़ लगी। तो ये था मेरा कंपैरिजन बिटवीन दीज टू वेरिएंट्स। जैसा कि आपने देखा, आपको एक्सटीरियर से इन दोनों वेरिएंट्स में खास फर्क नहीं देखने को मिलेगा। आपको इन दोनों वेरिएंट्स में ट्रिपल LED लाइट्स प्रोवाइड की जाएंगी विद ऑटोमेटिक फंक्शन एंड फॉलो मी होम जैसे फंक्शन के साथ। उसके साथ आपको अलॉय व्हील्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, पर फ़र्क यही है कि बैक में आपको जो लाइट हो गई फुल इंटीग्रेटेड वो ग्लो करेगी इन जेटा वेरिएंट ओनली। ऑन द अदर साइड आपको डेल्टा प्लस में फेक देखने को मिलेगी, बाकी फ़र्क नहीं होने वाला एक्सटीरियर में। इंटीरियर की बात करें, इंटीरियर में आपको जेटा में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू हमारी डेल्टा प्लस, जैसे कि उसमें आपको रियर एसी वेंट्स जैसे फीचर प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड उसमें आपको सुजुकी कनेक्ट के फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, एंड बाकी भी फीचर्स आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे इन जेटा वेरिएंट, वो आप वीडियो हमारी रिवर्स करके देख सकते हैं इंटीरियर पार्ट में। एंड अगर बात करें सेफ्टी फीचर्स की, सेफ्टी फीचर्स में आपको कर्टन एयरबैग्स सिर्फ जेटा में देखने को मिलेंगे, जिससे कि उसकी सेफ्टी थोड़ी इनहांस हो जाती है। बाकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इन दोनों गाड़ियों की सेम ही रहने वाली है, यानी कि इन दोनों वेरिएंट्स की, बेसिकली इन दोनों वेरिएंट्स की बिल्ड क्वालिटी एकदम सेम होगी जैसे आपको बलेनो में देखने को मिलती है। बेसिकली मारुति फ्रॉन्क्स तो है बलेनो ही, इसमें आपको चेसिस भी बलेनो की देखने को मिलेगी विद सेम बिल्ड क्वालिटी एंड डोर्स। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी एवरेज है, या आप कह सकते हैं बिलो एवरेज। एंड अगर इंजन की बात करें, इंजन मैंने आपको बता दिया, आपको जेटा में सिर्फ 1 इंजन ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑन द अदर साइड आपको डेल्टा प्लस में 2। सो ये था मेरा कंपैरिजन बिटवीन दीज टू वेरिएंट्स। कैसा लगा आपको कमेंट में मुझे बता देना। एंड जाते जाते मैं आपसे फिर से इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर कार रेट इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है। That will help you to buy ride car according to your needs. So, यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो एंड।